नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबके दिलों में बसते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि आज उन्हें इंडिया ही नहीं बल्कि उन्हें ऐसे कहीं देश है जो मोदी जी को फॉलो करते हैं। ऐसे में आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज कहीं सालों बाद जी मोदी जी अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी जसोदा बेन से मुलाकात की है। आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी की मुलाकात आपको पूरा का पूरा वीडियो लाइव दिखाया जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को आगे बगाए बिना आखिर तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मोदी जी और उनकी पत्नी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मोदी जी ने पहले कई बार कहा कि उनके लिए तो 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार हैं। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी को जब भी समय मिलता तो वो अपने परिवार वाले और अपनी माताजी से मुलाकात करने ज़रूर जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी एक रिटायर्ड शिक्षिका है। बताया जाता है कि उनको वर्तमान में है जो कि 14,000 रुपये पेंशन मिलती है, जिससे वो अपना घर और परिवार चलाती हैं और वो अपने भाई अशोक के साथ रहती हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही मोदी जी और उनकी पत्नी को कितने साल क्यों ना हो गए अलग अलग रहते हुए, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी हमेशा से मोदी जी के बारे में अच्छा ही सोचती आई है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि पहले मोदी जी की पत्नी ने कई बार कहा कि यदि उनके पति प्रधानमंत्री बनते तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। ये बात तब कही जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तब। आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री हैं और लगातार जो मोदी सरकार है जो देश के हित में कहीं ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई जा रही हैं। जैसा कि आपको बता दें कि कश्मीर से धारा 370 और 35 और साथ ही राम मंदिर का मुद्दा। दोस्तों, आप जानते हो कि ये मुद्दे कितने सालों पुराने, जिस पर कहीं पार्टियां सिर्फ बनावटी बातें करती आई लेकिन कोई भी पार्टी हिम्मत दिखाकर इन मुद्दों को उखाड़ कर नहीं फेंक पाई। लेकिन मोदी जी जैसे ही दोबारा सत्ता में आए वो कर दिखाया। इस समय दोस्तों, आप जानते हो कि मोदी का डंका जी देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत देश का नाम आज की पूरी दुनिया में रोशन किया है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी और नंबर वन पार्टी बनकर उभरने वाली है, वो भी है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये बीजेपी ने कहीं राज्यों में अपनी सरकार बनाई है और इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं। लेकिन खैर, जो भी हो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी के बारे में और दोनों पति पत्नी की मुलाकात का आपको पूरा वीडियो लाइव भी दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मोदी जी ने अपना घर और परिवार और अपनी पत्नी को छोड़ने की नौबत क्यों आई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी की शादी है जो कि गुजरात के एक छोटे से गांव में हुई थी। आपको बता देना चाहते हैं कि उस समय बड़े ही धूमधाम से जो कि मोदी जी की शादी की गई थी। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ये शादी सिर्फ 3 साल चली और इन 3 सालों में बताया जाता है कि मोदी जी और उनकी पत्नी का जो साथ था वो सिर्फ 3 महीने का था। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी संघ और RSS से भी जुड़े हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि जब पहली बार मोदी जी की पत्नी ससुराल आई तब मोदी जी ने कहा है कि तुम इतनी छोटी उम्र में ससुराल क्यों आए, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय मोदी जी की पत्नी की उम्र 16-17 साल थी और मोदी जी की 20-22 साल थी। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी ने यह भी बताया कि मैं पूरे देश के भ्रमण पर निकलूंगा, जहाँ पर मुझे अच्छा लगेगा मैं वहाँ पर रह सकता हूँ, तुम मेरे साथ क्या करोगी। ऐसा में दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी अपना घर और परिवार छोड़कर जो संघ और RSS में चले गए। और आपको बता देना चाहते हैं कि बाद में मोदी जी ये 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि मोदी जी पहले लगातार ये 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और साल 2014 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, वो भी बड़ी जीत के साथ। और साल 2019 आते तो जो उससे भी बड़ी जीत के साथ है जो कि मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। और इस समय दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार कहीं बड़े बड़े एक्शन लेती हुई जा रही हैं। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि मोदी जी की पत्नी से पूछे गए एक सवाल और एक इंटरव्यू में कि दोनों पति पत्नी से अलग होने की वजह के बारे में, तो आपको बता देना चाहते हैं कि मोदी जी की पत्नी ने बताया कि दोनों का ना तो किसी तरह का झगड़ा हुआ और ना ही कोई बात हुई है। आपको बता देना चाहते हैं कि उन्होंने बताया कि वो देश की सेवा करना चाहते थे, इसीलिए अपना घर और परिवार छोड़कर जी अपने देश की सेवा में लग गए हैं। इस समय दोस्तों, आप जानते हो कि मोदी जी ने जी अपना पूरा जीवन है जी अपने देश की सेवा में बिता दिया है। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो मोदी जी के जो परिवार वाले हैं वो भी आज भी जी अपने दम पर छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करके अपना घर और परिवार चला रहे हैं।
ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी भी अजी अपने दम पर छोटा मोटा काम काज करके अपना जीवन बिता रही है। आपको बता देना चाहते कि मोदी जी और उनके परिवार के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हो। साथ ही दोस्तों आप जानते हो कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये भारत देश के जितने भी दुश्मन थे उनके भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, आपको बता देना चाहते कि मोदी सरकार ने कहीं बार पाकिस्तान को मुंह तोड़कर जवाब दिया। आपको बता दें कि इस समय है जो पाकिस्तान में खाने तक के लाले पड़े हुए भिखारियों जैसी हालत बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ देने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। आपको बता देना चाहते हैं कि पूरी देश और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो कि आतंकवाद को पालता है और आतंकवाद को ट्रेनिंग देता है, इसीलिए उनके साथ कोई भी देश खड़ा होने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत के साथ कहीं देश मजबूती के साथ खड़े हैं और भारत भी इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में, ये आज का हिंदुस्तान और नया भारत है, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। ये बात है जो कि पाकिस्तान और चीन अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों आपको बताते ना चाहते कि पाकिस्तान के हालात तब ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए जब मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंका है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 और 35 दोबारा सत्ता में आने के बाद ही इसको उखाड़ कर फेंक दिया है। वहीं से पाकिस्तान के वो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं जहाँ से वो भारत में आतंकवाद और नई नई घटनाओं को अंजाम देता रहता था। लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि इस समय पीओके को लेकर भी जो पाकिस्तान बुरी तरीके से डरा हुआ है। आपको बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जानता है कि मोदी सरकार बड़े से बड़ा एक्शन है जो रातों रात ले सकती हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने कई बार पाकिस्तान को मुंह तोड़कर जवाब दिया और उनके घर में घुसकर मारा और उनको उनकी औकात दिलाई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। ऐसा में दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की जनता भी वहाँ की सरकार के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि वहाँ की जनता का भी मानना है कि जब से पाकिस्तान में पीएम इमरान यानी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो पाकिस्तान में ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय जो पाकिस्तान हमेशा से चीन के बलबूते पर उछलता है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में जो दरार पड़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पूरी देश और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ और वो एक दूसरे देश से कर्ज उधार लेकर एक दूसरे देश को चुकाता है। यदि दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान चीन को भी समय पर कर्ज यदि नहीं लौटाता है तो आपको बता दें कि दोनों देशों के रिश्तों में भी दरार पड़ सकती हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि चीन भी जानता है कि आज का हिंदुस्तान है वो नया भारत है और साथ ही मोदी सरकार इसके दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दे सकती हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि चीन ये भी जानता है कि यह ना कि 1965 वाला बल्कि आज का हिंदुस्तान है और साथ ही मोदी सरकार है, कभी भी बड़ा एक्शन है जो एक ही झटके में ले सकती हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, इंतजार है तो सिर्फ एक आदेश का। आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय सेना के खेमे में एक से बढ़कर एक लड़ाकू हथियार शामिल है जो कि दुश्मन को उसी की भाषा में देश जवाब दे सकते हैं। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि ये बात है कि शायद चीन और पाकिस्तान अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आपको बता दें कि इस समय भारत आज का हिंदुस्तान है, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देता है और साथ ही है जो कि मोदी सरकार है जो बड़े से बड़ा एक्शन है जो एक ही झटके में ले सकती हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको बता दें कि आप जानते हैं कि मोदी जी अपना घर और परिवार छोड़कर सिर्फ अपने देश की सेवा में लगे हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन है जो देश की सेवा में लगा रखा है। ऐसे ही दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी भी है जो वो भी अपना घर और परिवार छोड़कर अपने देश और अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपना घर और परिवार छोड़कर वो भी अपने देश की सेवा में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से उत्तर प्रदेश में कहीं अपराध और ऐसी घटनाओं पर लगाम लग चुकी हैं जो कि आए दिन सुनने को मिलती थी। आपको बता देना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की एक बहन है जिन्होंने को इंटरव्यू में बताया कि वो भी कोई छोटी मोटी फूलों की दुकान चलाकर अपना घर और परिवार चलाती हैं। और आपको बता दें कि खबरों की माने तो योगी आदित्यनाथ जी का एक भाई है, वो भी आर्मी में रहकर अपने देश की सेवा कर रहा है। आप देश की सेवा कर रहे हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।